जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना का कहर जारी, 35,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। अब तक 1,147 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,400 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की संख्या। कल से अब तक 583 नए मामले। महाराष्ट्र में ही कल से अब तक कोरोना की वजह से 27 लोगों ने तोड़ा दम। मौत का कुल आंकड़ा 459। मुंबई में भी बीमारों की संख्या 7,000 के पार। मायानगरी में अब तक 290 लोग गंवा चुके हैं जान। गुजरात में 4,000 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। अब तक 214 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना संकट के बीच इस वक्त 130 जिले रेड जोन, 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन घोषित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद को ऑरेंज जोन घोषित किया। डीएम ने कहा जल्द ग्रीन जोन में होगा गाजियाबाद, नोएडा रेड जोन में। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को भी रेड जोन में डाला गया। दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीम बनाई, लेकिन 15 कोरोना पीड़ित सामने आने के बाद भी मंडी सील नहीं करने पर उठे सवाल। दिल्ली में कल से अब तक कोरोना के 76 नए मामले, 3 की मौत। कुल आंकड़ा 3,515। राजस्थान में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए। मरने वालों की तादाद हुई 58। अब तक 2,600 से ज्यादा कोरोना पीड़ित। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हैं हॉटस्पॉट जिले। देश में अब 129 जिले रेड जोन में। कोरोना केसेस के दोगुने होने के मामलों में बढ़ोतरी। अब 11 दिन में हो रही है बीमारों की संख्या दोगुनी। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। कॉन्टैक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में 2,200 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। 40 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। आगरा में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आए। कल कोरोना पीड़ितों की संख्या 496 पहुंची। अब तक 14 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत। पुलिस ने कहा थकावट और भूख हो सकती है वजह। मुंबई के धारावी का बुरा हाल, 25 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,600 के पार। अब तक 137 लोगों की जान गई। इंदौर में 72 हुआ मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 1,513 लोग कोरोना से संक्रमित। बिहार में कोरोना से 400 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2 पीड़ितों की मौत। निहंगों के हमले के बाद हाथ गंवाने वाले एएसआई पटियाला पहुंचे। पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर, दारोगा के स्वागत में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, वीडियो हुआ वायरल। सूरत में राजस्थान जाने वाले मजदूरों की जुटी भीड़। पास बनवाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, वुहान की लैब में कोरोना के तैयार होने के हैं सबूत, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा नहीं बता सकता। कोरोना संकट की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जीत हार से जोड़ा। चीन नहीं चाहता मैं दोबारा बनूं राष्ट्रपति। कोरोना के वैश्विक संकट को लेकर WHO पर बरसे ट्रंप। कहा चीन की PR एजेंसी की तरह काम कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रूस में भी अब कोरोना का कहर, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को हुआ कोरोना। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने वाले पुलिस वालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से ठीक होकर लौटे दिल्ली के सफदरजंग थाने के एएसआई विजेंदर का थाने में हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक शख्स की चाकू से हत्या, सस्ता चिकन बेचने पर हुआ था विवाद। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव दूर करने के लिए डांस, देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे आरोपों पर वीडियो बनाकर किया था वायरल।
बिहार के बहादुरगंज के कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने मांगी दान की 50 लाख की रकम। बोले नीतीश कुमार, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रहे हैं नाकाम। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत। परिवार के 4 सदस्यों समेत 13 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पटना के खड़गपुर थाने के हवलदार समेत 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। आबकारी विभाग के अधिकारी बनकर ठगने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अंतिम संस्कार के लिए 11 दिन से भटक रहा है एक परिवार। कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल नहीं दे रहा शव। गुजरात के गोधरा में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी। जवाब में पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। झारखंड के पलामू जिले में लोगों ने बनाया आयुर्वेदिक सैनिटाइजर। नीम, फिटकरी, एलोवेरा जैसी चीजों का इस्तेमाल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। लॉकडाउन से था परेशान। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2500 पीपीई किट भिजवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से जंग जीत कर घर लौटे मासूम का स्वागत। 18 दिन पहले 8 साल के सोनी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने पर हुई चर्चा। शिमला में हुई भारी बारिश और तूफान ने सेब की फसल को किया बर्बाद। किसानों को जबरदस्त नुकसान। चंडीगढ़ के सुंदरनगर में पुलिस बनी मददगार। सांप के काटने से बीमार हुए शख्स को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखी गंगा जमुनी तहजीब। नमाज पढ़ते पुलिस वाले को धूप से बचाने के लिए आगे आया दूसरे धर्म का पुलिस कर्मी। राजस्थान के जैसलमेर में भी प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी। अब तक 13,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।